बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पजेज़ के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखना है आईटी सेक्टर्स को बेसिकली। सो आईटी सेक्टर को देखने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि आईटी में क्या चल रहा है और किस तरह का ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप लोगों को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो लेट्स सी कि आईटी सेक्टर में अगले वीक क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो इस न्यूज़ को देखें तो टेरिनॉर बिकने के बाद दूसरे मुख्तलिफ टेलीकॉम इदारे मार्केट से निकलना शुरू कर दिया, ठीक है। सो ये न्यूज़ है, ये जियो पे चली है और इसको आप देख सकते हैं कि ये क्या न्यूज़ है। ये न्यूज़ बेसिकली अब फैलाई जा रही है, ठीक है। अब क्या है, ये न्यूज़ जो है ना, ये फैलाई जा रही है। ये कोई न्यूज़ ऐसा नहीं है कि ये आज ही आई है या कल आई है, 23 को ही आई है। नो, इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है। और वेन टू पुट इन मीडिया, इसको मीडिया में कब करना है, इसको ब्रोकरेज हाउसेज और बहुत सारी जिनके स्टेक होल्डर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। और ये मेरे ख्याल में ये कंट्रोल्ड न्यूज़ जो है ये अब ये फैलाई गई है। सो क्योंकि शेयर जारी बात है ऊपर नीचे होने हैं और मार्केट ने ऊपर है बहुत ज़्यादा है तो उसको नीचे भी तो लेके आना है ना किसी न किसी तरीके से। सो अब सेक्टर जो टारगेट हुआ है वो है मेरे ख्याल में आईटी सेक्टर। तो मेरा ओपिनियन है, कुछ गलत हो सकता हूँ मैं, आई डोंट नो, लेकिन ये ओपिनियन है मेरा। लेकिन ये न्यूज़ फैलाने का मकसद और मेरे ख्याल में कुछ नहीं होता, यही होता है कि आपके पास कुछ सेंटीमेंट नेगेटिव क्रिएट किए जाए। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि ट्राइंग टू मेक नेगेटिव सेंटीमेंट फॉर ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे के लिए आईटी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर ये नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगी। सो अगर हम देखें तो हमारे पास आईटी सेक्टर में पहले देख लेते हैं WTL। लेकिन WTL को देखने से पहले मैं ये बताता चलूँ आपको कि आपको जो है ना वो इसका फीपीलीपी डाटा देखना ही देखना है। फीपीलीपी डाटा मंथली बेस पे जाके या वीकली बेस पे जाके देख लीजिएगा कि वीकली बेस में हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट जो है ना वो हमारी वेबसाइट पे भी वो अपडेट होता है, ठीक है जी। ये वेबसाइट है, इसमें लॉन्ग डे वो ये सारी पुरानी स्टोरीज हैं, ये मैंने अपने पिछले उसमें बहुत ज़्यादा इसका रोना रो दिया तो मैं दोबारा इसको नहीं इसमें छेड़ूंगा। तो जो भी इसने जिसने लॉग इन करने के लिए आना है, जो भी इसके सब्सक्राइबर्स आना चाहते हैं और इन इन इनको अवेल करना चाहते हैं सिग्नल्स को या हमारी रिसर्च को, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और लॉग इन में आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर पड़ा होगा, आप उस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको जो है ना वो इसका लॉग इन आई डी जनरेट करके दे देंगे। वंस यू पे द फी और आप जो है ना उससे फैसिलिटीज हमारी अवेल कर सकते हैं। तो इसमें ये रिसर्च रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई, फीपीलीपी डेटा में चले जाइएगा और वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि वीकली क्या हुआ है। अगर इस पर नहीं अपडेट हुआ तो आप किसी और सोर्स को यूज़ कर लीजिए, वैसे हो जाएगा इंशाल्लाह इस पर भी अपडेट। सो इसको पहले देख लें फिर जो है ना वो इस पर बात करें। सो WTL इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शेयर, मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा इसमें हाईवली ट्रेडेड होते हैं, ये स्क्रिप्ट है ये। और इसके जो लेवल्स जो मुझे नज़र आ रहा है, या तो इसको ये है कि आपने इसको क्लोज होने देना है 1.6 से अबव, ठीक है जी। 1.6 से अगर अबव क्लोजिंग देता है तो ये ठीक है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि 1.6 से ऊपर क्लोजिंग देगा क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव बनाया जा रहा है, तो आई डोंट नो। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो आपने पूरा वेट करना है। 1.44 से ये बैक हुआ, 1.44 से लेकर 1.36, ठीक है जी, यहाँ तक आप इसको ले सकते हैं। लेकिन लेकिन आपने क्या करना है कि आपने जो अपनी बाइंग रखनी है वो क्या करनी है, वो आपने जो अपना बाय रखना है वो परसेंट तक रखना है। ये मैं आपके साथ फ्री शेयर कर रहा हूँ। ये इस तरह के जो है ना चीज़ें हम लोग अपनी वेबसाइट पे हम लोग इस तरह करके शेयर करते हैं, जो पॉजिटिव मतलब कि गोल्ड स्क्रिप्ट्स जो है ना, के नाम से हमारा ये टाइटल अब आएगा गोल्ड स्क्रिप्ट, जो गोल्ड स्क्रिप्ट्स जो है ना, जो कि पॉजिटिव शेयर्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये होता है, ठीक है जी। अब WTL तो नहीं है अच्छा ना, तो हमारी ये वेबसाइट पे नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हम बताएंगे ही नहीं तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आईटी सेक्टर जो कि WTL में बैठे हैं, तो 30%, 30%, 30%। सो वंस यू डू 30% बाइंग बिटवीन दीज टू लेवल्स, बिटवीन 41.44 to 1.36, देन यू हैव टू वेट, मतलब आपको वेट करना है कि ये अब क्या करता है, ठीक है। या तो ये नीचे आएगा ऑब्वियसली या ऊपर जाएगा।
अगर तो ये 1.6 ये यहाँ से आके 1.56 1.6 से ऊपर क्लोज होता है डेली बेसिस पे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं क्लोज होता तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आप सेल करके निकल सकते हैं। देन हाँ, अगर नीचे आता है तो 1.25 इज़ अनदर ग्रेट स्पोर्ट, मतलब कि ये बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 30% बाइंग कर सकते हैं या 40 भी कर सकते हैं इस लेवल पे, ठीक है। और 1.1 तो फिर अल्टीमेट इसका बाय लेवल है ना, तो वहाँ तक तो ये मुझे नहीं पता समझ के ये कितना नीचे आएगा, लेकिन अगर मार्केट न्यूज़ बेस्ड अगर नीचे आई तो ये काफ़ी नीचे भी आ सकते हैं। तो ये इन दो लेवल्स पे आप अच्छा बाय कर सकते हैं, 1.2 पे और 1.14 पे और 1.36 पे ऑल्सो, ठीक है। सो ये है WTL। WTL से आगे चलें, WTL से आगे चलें, सो नेटसो, ठीक है जी, नेटसो। सॉरी, इसमें मेरी अपनी पिक्चर्स भी आ गई हैं, तो खैर है, लेकिन जो भी है। सो हमें तो स्टॉक पे रहना है, तो स्टॉक्स पे ठीक। सो अगर आप नेटसोल की बात करें ना, बहुत सारे लोग नेटसोल में फंसे हुए हैं और नेटसोल की बात बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हैवीली ट्रेडेड क्रिप्टो है, सारी बात तो नेटसोल की तो बात होगी वो हो। तो अगर नेटसोल की बात करें ना, तो इसका डेली ट्रेंड आपके, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, या आपको बहुत मेरे ख्याल में IT सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको लेवल्स बहुत अच्छे हैं ये। और अगेन सेइंग कि ये आपको सिर्फ मैं वो भी बता दूंगा जो इसमें पॉजिटिव है, जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद। सो डेली ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो जाएगा आफ्टर 113 क्लोजिंग, लेकिन ये बहुत मुश्किल है इसके लिए, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती है तो बहुत मुश्किल है, और अगर ऊपर भी जाती है तो आई विल स्टिल रिकमेंड के इसको आप जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो यूज़ करें, लेकिन लॉन्ग के लिए तो यूज़ ना करें, ठीक ठीक है। अच्छा, अब 95 से ये बैक हुआ, ठीक है जी। 95 से ये बैक क्यों हुआ? क्योंकि उसकी वीकली सपोर्ट वहाँ पे है, और वीकली सपोर्ट इसकी बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है। तो वीकली सपोर्ट नेगेटिव अगर हो गई, तोड़ गया ये 95 से नीचे क्लोजिंग देगा, फिर ये वीकली बेसिस पे, मतलब अगला जो जुमा है, अगर वो 95 से नीचे आ गया तो ये हो सकता है कि नीचे जाए फिर 95 से ऊपर क्लोज हो जाए। अगर 95 से ऊपर क्लोज हो गया, इट मीन्स कि ठीक है, वीकली अभी सस्टेन कर गया, ठीक है। सो अगर कोई बंदा वीकली बेसिस पे इसको लेना चाहता है, तो इसको फिर 95 से ऊपर की क्लोजिंग ज़रा देने दे, ठीक है। और अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता, कल ये नीचे चला जाता है, तो वेयर टू बाय, ठीक है। क्वेश्चन इज फेयर टू बाय। सो आपने क्या करना है कि आपने वेट करना है, अगर स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी आई ना, मतलब कि पहले 2-3 घंटे में नीचे आ गया, ठीक है, तो थोड़ा वेट करें फिर ना। 18 89 to 91 इस पे आप हल्का हल्का करके इसको 30% इसका बाय कर सकते हैं। 94 अगर ये मतलब 1-2 रुपया नीचे आता है, थोड़ी नेगेटिविटी आती है, तो ठीक है, मतलब कि 95 से अगर जाता है नीचे ऊपर आ जाता है, जाता है नीचे ऊपर आ जाता है, जाता है ऊपर, तो 3 रुपये नीचे जाता है ऊपर आ जाता है, फिर मतलब नहीं तोड़ पा रहा ना, तो और मार्केट का सेंटिमेंट भी आपने साथ देखना है, तो 95 इज़ ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ट्रेड करनी हो 1-2 घंटे के लिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय करना है इसको, तो आप इसका 88 to 91 का वेट करें, और फिर वेट करें 81 का, ठीक है आहिस्ता, मतलब जल्दी क्या करने की जरूरत है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बाय करें, ठीक है जी। जो भी आपकी बाइंग है वो आप बनाएं और उसके मुताबिक इसको बाय करें। मैंने आपके साथ इसका व्यू शेयर कर दिया कि ये क्या है ये नेगेटिव में, ठीक है। तो मतलब इतनी जल्दी ना ये ऊपर आएगा ना ये नीचे जाए, नीचे शायद जा सकता है लेकिन इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगा। हाँ, 113 की क्लोजिंग दे गया ना, फिर ये सेट है, फिर बहुत अच्छा है, ठीक। सो या तो ये फिर आगे आ जाता है, ये हमारे वो शेयर्स हैं क्रूशियल फलाना PTC PTC पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। अच्छा, ये जो कंपनीज हैं ये अब बेच के जा रही हैं अपने जो एसेट्स हैं ये टेलीनॉर, ये इसी को वीडियो को अगर देखें ना आप, तो ये कहते हैं कि ये PTC को शायद बेच के जा रहे हैं, और PTC में पंप आने की वजह भी यही है। तो PTC इज़ अ गुड स्क्रिप्ट, पॉजिटिव स्क्रिप्ट, और क्योंकि ये फ्यूचर में है, एक बात और फ्यूचर में है, तो
ये जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी से नीचे भी आएगा, ये एयर लिंक ये सारी फ्यूचर में, ठीक है। सो अभी तक इसका जो मूड है ना वो ठीक है, वीकली बेस पे भी और मंथली बेस पे भी अच्छा परफॉर्मेंस है और डेली बेस पे भी अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब डेली बेस पे ये 12.8 से ही क्यों बैक हुआ, अब मैंने तो वीडियो नहीं बनाई ये, ठीक है जी, लेकिन मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये है कि इसकी डेली बेस पे ना इसकी स्पोर्ट मेगा स्पोर्ट है ये, ठीक है, समझ ले इसको मेगा स्पोर्ट। सो ये अगर टूटी, इससे नीचे अगर ये क्लोज होता है तो ये फिर एक नहीं तकरीबन दो का अपर कैप नीचे की तरफ लगाएगा, लगाएगा वो फ्यूचर में है ये और नीचे की तरफ आएगा ही आएगा, इसका व्यू नेगेटिव होगा शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, मतलब डेली बेसिस के लिए। सो इसको आप बाय कर सकते हैं अगर ये 12.86 की क्लोजिंग, अब आपने वेट करना है कल क्लोजिंग का, दरमियान में मार्केट के अगर उछल कूद करेंगे तो लॉस करेंगे क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है ना कुछ। सो क्लोजिंग का वेट करना, अगर ट्यूसडे की क्लोजिंग आपको इससे ऊपर देता है, ठीक है जी, अगर नेगेटिव नहीं आता, ठीक है, तो या आप मिनिमल आप बाय कर सकते हैं जो कि जिसको बहुत मतलब कि अगर आपने 5,000 शेयर लेने हैं तो 1,000 ले लें, ठीक है, इससे ऊपर ऊपर। तो अगर ये इससे नीचे चला गया फिर 2,000 और ले लें, ठीक है, इससे नीचे और जाता है तो 2 और ले लें, ठीक है, लेकिन ये है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, ठीक है। सो डेली व्यू इसका जो है नेगेटिव हो जाएगा आफ्टर 12.8 से 8 क्लोजिंग, और बाकी ये वीकली और वो जो है ना ये आई थिंक इसकी यहाँ पे वीकली सपोर्ट पड़ी हुई है 9.8 पे, तो ये ठीक है, मतलब लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, लेकिन आपने इसको बड़े ही एहतियात से बड़े ही समझ से लेना है। और अगर ये कल, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है तो कल ये ऊपर भी आ सकता है क्योंकि अपने एसेट्स लोग इसको बेच के जा रहे हैं, ठीक है जी, तो ये शायद नीचे ना ही आए, ठीक है। तो बाकी अगर नेगेटिव हो रहे हो और ये पॉजिटिव हो इट मीन्स कि देर इज़ समथिंग हिडन, सो आप लोगों ने उसको फ़ौरन कैच करना है और लेकिन मिनिमल अमाउंट से ट्रेड करना है। हाँ डे क्लोजिंग पे अगर ये पॉजिटिव खड़ा हो, बाकी सेक्टर नेगेटिव खड़ा हो, इट मीन्स कि आप इसको रज के लें, ठीक है, और फिर इसको ऐसे ही आपको फायदा निकल जाए। फिशर टैली, सो टैली लेट्स टॉक अबाउट टैली नाउ। टैली आपके पास जो लेवल है आपका 10.06, ठीक है जी, टैली वीकली बेस पे तो अच्छा खड़ा हुआ है लेकिन डेली बेस पे ये ठीक नहीं है, ठीक है। घटने की इसकी वजह भी यही है कि 10.06 इसने तोड़ा और इसने फिर जो है ना वो ब्रेके नहीं लगाए। अब इसका ये लेवल बिटवीन 8 to 7.7, ये इसका है तो बाय लेवल, इज अ क्रूशल लेवल, ये मेगा सपोर्ट है एक तरह की ना, और अगर ये मिलता है इस पे तो आप 30% इसमें लेके ज़रा सब्र कर सकते हैं। अगेन सेइंग अगर आईटी सेक्टर पूरा नेगेटिव हो जाए, ठीक है, और आपको मौका ना मिले, ठीक है जी, पहले 15-20 मिनट में ये आधे घंटे में ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस चलनी है ना आईटी की। सो अगर आप मॉनिटर करें कि आईटी में शदीद मंदी है तो फिर तो मतलब कि बहुत ही मिनिमल लें, ठीक है जी, वेट करें पे शायद आपको दूसरा लेवल मिल जाए। तो 7.69 पे अगर मिलता है तो अच्छा है, लें इसको, और 6.373 पे मिलता है तो अच्छा है, लें इसको। 6.02 इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, 6.72 6.02 इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो इसको आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको शदीद मंदी की लहर नज़र आ रही है, ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है और 7.7 पे ये झटके में आ गया, ठीक है जी, तो यहाँ से ये बैक ज़रूर होगा, लेकिन अगर 7.7 में ये झटके में आ गया और आईटी सेक्टर मंदी में है तो आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत है थोड़ा कि आप इसमें थोड़ा मतलब अगर हाँ कोई बहुत वो हो रहा है शदीद किस्म का हो रहा है कि बंदा को आई हुई है कि क्या नाम है लेना है मैंने, तो थोड़ा सा लेना, ठीक है जी, वाई लेवल 2 का और 3 का 1 का वेट कर, ठीक है। सो ये है, लेकिन अभी एवियन पड़ा हुआ था यार, एवियन किधर है, एवियन एयरलिंक। सो एयरलिंक जो है ना वो आपके पास पॉजिटिव होगा आफ्टर 63 क्लोजिंग, ठीक है जी, 63.85 58 क्लोजिंग ये आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। अगर ये ऊपर जाता है तो वहाँ से बैक फिर शॉर्ट पड़ेगा इसको, ठीक है जी, शॉर्ट पड़ेगा इसको,
ये जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं देगा ना 64 की, ऑलमोस्ट अबव 63.58 की क्लोजिंग नहीं देगा, ये आपको वो जो कहते हैं ना रॉकेट लॉन्चर नहीं मारेगा कभी भी, ठीक है। हाँ ये होगा कि ये बढ़ता हुआ वहाँ तक ये रेजिस्टेंस दे और वहाँ से शॉर्ट पड़ जाए, ये लाजमी हो सकता है। और सपोर्ट इसकी अच्छी है 49 के बाद, इसका ट्रेंड जो है वो वीकली आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसमें शदीद मंदी पड़ जाएगी वीकली बेसिस पे भी, हल्की सी मार्केट नेगेटिव थक नीचे, और ये वीकली फ्यूचर में ये हैवीली ट्रेडेड है, ये तेज़ी से नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो 49.4 के पास इसने पिछला वापस दिया, इसकी वजह ये थी कि ये वीकली बेस पे ये सपोर्ट बहुत तगड़ी है इस तो अभी भी ये अगर नीचे आता है तो 49.4 सॉरी कॉल गेन टेस्ट करेगा, इस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस लेवल पे ट्रेडिंग करें, और ऊपर आता है तो 2-3 रुपये जो भी बचता है बच के निकल जाए। हाँ अगर ये अपर लोअर कैप लगा गया तो फिर तो ये काम बहुत ख़राब पड़ जाएगा, फिर आपने इसको 43.5 से पहले पहले जो कि एक्सीलेंट बाय लेवल है ये समझ लें, इसका मंथली ही नेगेटिव हो जाएगा अगर इससे नीचे चला गया तो। मंथली नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये गर्क की तरफ है दोबारा, ठीक है। तो आप इसको तेज स्क्रिप्ट है ये, ठीक है, फ्यूचर में बड़ा हैवीली ये ट्रेडेड है और इन बाय लेवल्स के ऊपर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है जी मेरी तरफ से WTL, नेट सोल, एयरलिंक, टैली और PTC, ये पांच मशहूर जो शेयर है। AVN भी अच्छा शेयर है लेकिन मैंने वो देखा नहीं है, तो आप वो देख लीजिएगा। सो मुझे दें इजाज़त, और जाते जाते मैं ये लाजमी कहूँगा, ये लाजमी कहूँगा कि ये पैसा आपका है, आप नहीं इसको संभालना है, इसको ज़ाया करने से बचाएं, ये मार्केट आप बड़े बड़ों को ले जाती है, इंडिविजुअल्स को ना, ठीक है, और नुकसान सिर्फ इंडिविजुअल्स को होता है, ब्रोकरेज को कभी नुकसान नहीं होता, बैंक्स को कभी नुकसान नहीं होता, कभी बड़े हाउसेस को नुकसान नहीं होता, ठीक है जी, अनटिल अनलेस वो कोई कुछ और मतलब कि उनकी किस्मत ही ना आ रही हो, इंडिविजुअल को ही नुकसान होता है, इसीलिए PSX का व्यू जो है ना वो ख़राब है दुनिया में। तो आप इसको बड़े एहतियात से यूज़ करें अपने पैसे को, ठीक है, कोई जल्दी मत करने करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब MFFL मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है एक दो ना, जिसको मैं देखता रहता हूँ, फॉलो नहीं मैं करता लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ कि ये क्या चल रहा है ना, लोग किस तरह मूव कर रहे हैं। सो उसमें मैंने देखा कि एक दफ़ा जो है ना वो MFFL के पीछे मार्केट जो है ना, मुझे हमें समझ आ रही थी, मैंने अपने ग्रुप में देखा मैसेज किया कि मार्केट जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, आएगी -2000 पॉइंट, वो जो बात है वो नेगेटिव होगा, लेकिन उसने MFFL आई थिंक 151 के ऊपर ख़रीदा, ठीक है ख़रीद लिया बेचारे ने लोअर लोक के ऊपर, ठीक है, 2-3 रुपये ऊपर भी आया, 10 रुपये ऊपर भी आया, वी वॉज वेरी एक्साइटेड। सो हमें पता था कि ये नीचे और आना ही आना है, ये तो नहीं जाएगा ऊपर क्योंकि नेगेटिव स्क्रिप्ट है, वीकली बेस पे भी नीचे है, मंथली बेस पे भी उसकी सपोर्ट टूट चुकी है, तो वो कहाँ से ऊपर आ जाएगा, वो जस्ट इंडिविजुअल ख़रीदते हैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे आया खड़ा है, ठीक है जी, 128 ये पता नहीं कितने पे आया आया खड़ा है वो। सो नेगेटिव स्क्रिप्ट से आपने बचना है, ठीक है, नाम पे नहीं जाना, अगेन से नाम पे नहीं जाना, नेटसोल इज नेम, लेकिन इसका टेक्निकल ट्रेंड या इसका न्यूज़ या इसकी फंडामेंटल्स तो ठीक हैं अच्छे हैं, उस टाइम आपने ये लाजमी देखना है कि ये पॉजिटिव चीज साइड पे है या नेगेटिव साइड पे है। अगर नेगेटिव पे है नाम पे नहीं जाना, MFFL इज़ ए नेम, नाम पे नहीं जाना, ठीक है, MTL इज़ ए नेम, नाम पे नहीं जाना, ठीक है, फंडामेंटली ओके है, लेकिन आपने पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे है इस पे जाना है, सर्वी इज़ ए नेम। सो ये आपने बहुत, मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने नाम के ऊपर नहीं जाना, शेयर की पॉजिटिव साइड देखनी है कि ये पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे, हमें गेन दे भी सकता है कि नहीं, इस चीज़ को नहीं रहना कि ये कल ऊपर चला जाएगा, अच्छा शेयर है, स्ट्रांग है, ये है वो है, ये ब्रोकरेज वाले कर सकते हैं जिनके पास मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है, हम लोग नहीं ये कर सकते, तो आपको ये चीज़ें पहले सेलेक्ट करनी होती हैं, फिर ही जो है ना वो, वरना लॉस एवरेज ही करता बंदा थक जाता है। तो इसको आप गौर से देखें, गौर से वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर हम कुछ कह रहे हैं तो इट मीन्स देर इज़ समथिंग गलत, हम हो सकते हैं एक्सेप्ट कि हम गलत हो सकते हैं, हम ह्यूमन है, तो
तो देर इज़ ऑलवेज़ अ चांस कि हम गलती कर बैठे। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछली जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, अप्रिशिएट किया, अच्छे कमेंट्स दिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हमारे पास आए। ठीक है जी, मतलब इस वीडियो ने ऑलमोस्ट हमें 10 to 15 सब्सक्राइबर दिए हैं, विच इज़ अ ग्रेट गुड गेन। मतलब पीपल आर लाइकिंग आवर वर्क, सो इफ़ दे आर लाइकिंग देन वी आर ऑल्सो विलिंग टू हेल्प देम। सो आप लोग इसको लाजमी देखें, लाजमी करें। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉस्टली, मैं पहले बता रहा हूँ, वी नो कि वी आर कॉस्टली, लेकिन जितनी मेहनत हमें इसके लिए करनी पड़ती है वो आई थिंक इट्स मोर देन दिस मनी। सो ये मनी से हम लोग कोई गर्व, कोई महल नहीं तामीर कर सकते, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। ये जस्ट हमारी, मतलब कि हमने GPUs लिए हुए हैं, हमारे और खर्चे हैं, हमने टीम को मैनेज करना। सो हमने खर्चे कहाँ से निकालने हैं, इधर से निकालने। सो ये स्टिल लोगों को पीछे तो नॉलेज नहीं है ना कि क्या चल रहा है। ये दे थिंक कि देयर इज जस्ट वन गाय और उसने हमें जस्ट ये बता दें, नो इट्स नॉट लाइक दिस। ठीक है जी, हमारे एल्गोज हैं जो कि GPUs खाते हैं, GPUs का हमें किराया पे करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है, और वो डॉलर्स में। यही बात है, और इसके अलावा और भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। सो आप लोग इसको देखें, इसको समझें, और देन अगर आपका इरादा बनता है हमसे कांटेक्ट करें, और वी विल बी विलिंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।